Hello everyone, welcome to the Study Glows. My name is Prashant Misra and today we are going to see a very interesting topic regarding GS paper 3 which is related to crop insurance. तो ये देखते हैं कि crop insurance में BEAD model क्या कहता है और BEAD model के लिए महाराष्ट्र क्यों push कर रहा है. Let's see about the BEAD model. तो ये टॉपिक हमने लिया है इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज आर्टिकल से जिसमें इसने एक्सप्लेन किया है कि बीड मॉडल क्या है और महाराष्ट्र ये क्यों चाह रहा है कि पूरे स्टेट में बीड मॉडल इंश्योरेंस जो है वो फॉलो किया जाए. बीड बेसिकली है क्या? तो बीड एक रीजन है, एक स्टेट का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में. ये पूरा स्टेट आप महाराष्ट्र देख पा रहे हो, तो महाराष्ट्र के अंदर एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट जो है बीड. बीड बेसिकली इफेक्टेड रहता है मॉनसून से. मॉनसून डेफिसिट स्टेट है, यहाँ पे बारिश वगैरह कम रहती है तो यहाँ पे फसलों की बहुत प्रॉब्लम रहती है, किसानों की बहुत समस्या रहती है. तो इसलिए लास्ट ईयर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक डिफरेंट मॉडल लागू किया था यहाँ पे. तो उस पूरे को हम डिटेल में समझते हैं कि ये चीज आखिर है क्या. तो उसके पहले हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है. क्रॉप इंश्योरेंस के लिए जो स्कीम इंडिया में चल रही है वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. इसमें क्या होता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 1.5% जो किसान है वो देते हैं रबी क्रॉप के लिए और 2% देते हैं वो देते हैं खरीफ क्रॉप के लिए. ठीक है, 5% देते हैं कैश क्रॉप के लिए. कहने का मतलब यह है कि अगर किसी फार्मर को 100 रुपीज का इंश्योरेंस कराना है अपने खरीफ क्रॉप का तो वह इंश्योरेंस कंपनी के लिए प्रीमियम कितना देगा, 2%. 2% मतलब कितना हो गया, 2 रुपीज. तो क्या सिर्फ 2 रुपीज में उसका ये क्रॉप इंश्योर्ड हो जाएगा? तो आंसर है नहीं. इसके अलावा और भी टोटल जो पैसे हैं वो बाकी कौन देती है, वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर देती है. मान लो एक कंपनी है जिसने 100 रुपीज खरीफ क्रॉप के लिए यूपी में डिसाइड किया कि 10 रुपीज जो है वो इंश्योरेंस का सम अमाउंट है. 10 रुपीज में कितना परसेंट किसान को देना पड़ेगा, 2%, मतलब 2 रुपीज. बाकी कितना बच गया, 8. तो इस 8 रुपीज में आधा आधा मतलब 4 रुपीज और 4 रुपीज करके स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ता है. ये किसके लिए हो गया, खरीफ क्रॉप के लिए. बाकी किसके लिए है, 1.5% के हिसाब से किसान जो देता है वो किसके लिए देता है, रबी क्रॉप के लिए. और 5% कैश क्रॉप, कैश क्रॉप मतलब वेजिटेबल्स वगैरह हो गया, इनके लिए कितना देता है, 5% का अमाउंट देता है. तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है. सेंटर क्या बोलता है, सेंटर ये बोलता है कि 30% तक नॉन इरिगेटेड एरियाज में और 25% तक इरिगेटेड एरियाज में अगर इंश्योरेंस का प्रीमियम है तो वह इंटरेस्ट लेता है कि ये जो है PMFBY को इम्प्लीमेंट कराया जा सके. कहने का मतलब ये है कि 100 रुपीज अगर टोटल इंश्योर्ड अमाउंट है और कंपनी प्रीमियम उस पर 30% तक 30 रुपए चार्ज करती है नॉन इरिगेटेड एरिया में और 25% मतलब 25 रुपीज चार्ज करती है इरिगेटेड एरिया में, तो यहाँ पे सेंटर इंटरेस्ट लेता है. यहां तक बोलता है कि आपको PMFBY मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इंप्लीमेंट करना है, किसको, स्टेट्स को. और बाकी अगर ये कोटेशन जो है 25-30% से ज्यादा है तो स्टेट्स के ऊपर पूरा बर्डन होता है कि वो अपना PMFBY इंप्लीमेंट कराना उस एरिया में चाहते हैं या नहीं चाहते हैं. तो प्रॉब्लम क्या है, अब देखते हैं महाराष्ट्र में होता क्या है. तो महाराष्ट्र में मेनली मानसून के पे डिपेंडेंट जो है वो क्रॉप्स रहते हैं. मानसून पे डिपेंडेंसी के बाद से क्या हो गया, जो भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं धीरे धीरे वो नॉन प्रॉफिटेबल होने लगी. आप देख पा रहे हो 2016-17 में जो प्रीमियम कलेक्ट किया जो कंपनी इंश्योरेंस कंपनी उसने कितना प्रीमियम कलेक्ट किया, 3995 और कितना क्लेम पे करना पड़ा, 1924. मतलब काफी फायदा इंश्योरेंस कंपनी को हो रहा था 2016-17 में. 17-18 में देखो तो ये प्रीमियम थोड़ा सा घट गया और क्लेम क्या हो गया, बढ़ गया. अब 18-19 में देखोगे तो प्रीमियम तो बढ़ा साथ साथ में क्लेम जो है वो भी बढ़ गया, तो जो इंश्योरेंस कंपनियों का जो बेनिफिट है वो काफी कम हो गया. और 19-20 में देखोगे तो 4925 इंश्योरेंस कंपनियों ने प्रीमियम कलेक्ट किया जबकि 5511 क्लेम पे किया. क्लेम मतलब कि जो लॉस होता है जो क्लेम पे की करते हैं किसान उतना. तो इसमें देखोगे कि इंश्योरेंस कंपनियों क्या हो गया, लॉस हो गया. और 2021 में 5801 का प्रीमियम कलेक्ट हुआ है और क्लेम 823 करोड़ का पास हो चुका है.
और अभी तक रबी क्लेम फाइनलाइज नहीं हुआ है, तब भी 823 करोड़ जा चुका है। तो कहने का मतलब है कि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो अब इंटरेस्ट लेना, खासकर महाराष्ट्र के कुछ रीजन्स में जहां पे रेन क्या है डेफिसिट है और मानसून पे ही पूरा का पूरा एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, वहां पे वो नहीं चाहती कि वो बिड करें और बिड करके क्या करें वहां पे वो लॉस में जाए। तो ये चीज महाराष्ट्र में हो रही है। और महाराष्ट्र के एक डिस्ट्रिक्ट है बीड जो आपको दिखाया मैंने, वहां पे क्या हुआ लास्ट ईयर कंपनी इंटरेस्टेड नहीं थी इंश्योरेंस देने के लिए क्रॉप लोन के अगेंस्ट में। तो क्या हुआ, एक पब्लिक सेक्टर कंपनी थी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, उसको गवर्नमेंट ने बोला कि तुम क्या करो, तुम इंश्योरेंस तुम लो, तुम बिड करो, और अगर तुमको 110% से ऊपर का प्रीमियम से ऊपर का तुमको क्लेम सेटल करना पड़ता है। कहने का मतलब अगर 100 रुपीज तुम्हारे पास आए इंश्योरेंस के प्रीमियम के अमाउंट में और क्लेम जो है 110 से ऊपर का करना पड़ता है, तो बाकी बचा हुआ अमाउंट कौन देगा, बाकी बचा हुआ अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट देगा। तो इससे तुमको बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा, और अगर फायदा हुआ तो फायदा के लिए अलग स्कीम है। तो ये वाला स्कीम जो है रैन सक्सेसफुली इन द बीड डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, बीड डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में ये वाला स्कीम अच्छे से काम किया। तो अच्छे से काम किया उसके बाद से क्या हो गया, तो इसी को हम बीड मॉडल में, हम प्रॉफिट में तो समझ गया 110 का प्लान है, सॉरी लॉस में, और प्रॉफिट में 80 का प्लान है, तो इसको 80-110 प्लान भी कहते हैं। 80-110 प्लान क्या है इसको ध्यान से देख लेते हैं। 80-110 का प्लान मतलब यह है अगर इंश्योरेंस कंपनीज को प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट 20% से ज्यादा का होता है तो बचा हुआ प्रॉफिट वो स्टेट को रिफंड कर देंगे, किसको रिफंड कर देंगे स्टेट्स को। और अगर 110 मतलब अगर 10% से ज्यादा का लॉस होता है तो बाकी बचा हुआ लॉस कौन बियर करेगा, तो स्टेट बियर करेगा। तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर भी एक इंश्योरेंस मॉडल हो गया स्टेट का कि अगर 10% से ज्यादा लॉस हुआ तो स्टेट खुद ही बियर कर रहा है, और 20% से ज्यादा का फायदा हो गया तो वो आपको किसको देना पड़ेगा स्टेट को। कहने का मतलब अगर 100 रुपीज जो इंश्योरेंस की अमाउंट आई किसके पास, कंपनी के पास, और 70 रुपीज ही क्लेम में देना पड़ा तो 100 रुपीज का 20% कितना हो गया 20, तो वो 20 बेनिफिट काट के वो 10 रुपीज किसको रिटर्न कर देना पड़ेंगे स्टेट को रिफंड कर देने पड़ेंगे। तो इस जो ये पूरा मॉडल है इसको बोला गया 80-110 प्लान, जो बीड मॉडल है बीड डिस्ट्रिक्ट में लास्ट ईयर इंप्लीमेंट हुआ। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये देखती है कि इस साल जो है वो मानसून काफी अच्छा रहने वाला है, तो मानसून अच्छा रहने वाला है तो क्रॉप फेलियर वगैरह के चांसेस मानसून की वजह से काफी कम है, मानसून की वजह से काफी कम है। और एक डिस्ट्रिक्ट में ये बीड प्लान जो है पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट हुआ वो सही रहा, तो बाकी डिस्ट्रिक्ट में ही क्यों ना यही वाला प्लान लागू किया जाए। आखिर इसी डिस्ट्रिक्ट में रिस्क ज्यादा है, कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में रिस्क ज्यादा है, बाकी डिस्ट्रिक्ट में ऑब्वियसली जहां प्रॉफिट है वो फायदा कौन ले जा रहा है, वो इंश्योरेंस कंपनियां फायदा ले जा रही है, वो फायदा नॉर्मल एक्सचेकर का है। ऑब्वियसली अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रीमियम पे करती हैं तो ऑब्वियसली किसके किसका बर्डन है, वो हमारा बर्डन है, जो लोग टैक्स पे करते हैं उनका बर्डन है, और फायदा किसको जा रहा है इंश्योरेंस कंपनियों को जा रहा है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस साल क्या किया, 3 ईयर का जो कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस कंपनी के साथ अप्रूव किया था लास्ट ईयर वो उसको कैंसिल कर दिया, और साथ साथ राजस्थान गवर्नमेंट की भी न्यूज आ रही है वो भी सिमिलर लाइंस पे वर्क करना चाह रही है। तो ऐसा लोग क्यों करना चाह रहे हैं, तो ऐसा लोग इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली वो प्रीमियम में अगर बहुत ज्यादा फायदा होता है प्रीमियम से कंपनियों को तो वो प्रॉफिट सीधे सीधे स्टेट गवर्नमेंट अपने पास रख सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट अपने पास रखेगी तो क्या होगा, अगर किसी दिन कभी कभी अगर क्रॉप फेलियर हुआ, ज्यादा क्रॉप फेलियर हुआ, ठीक है, अगर किसानों को ज्यादा पैसे देने की जरूरत पड़ी तो स्टेट गवर्नमेंट उसी फंड में से दे सकती है, और अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट स्टेट गवर्नमेंट के पास एडिशनल अनदर सोर्स ऑफ फंड के रूप में स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगा। मतलब इंश्योरेंस के ऊपर से एक अलग तरह से इंश्योरेंस का काम कौन सी स्टेट गवर्नमेंट खुद ही करना चाह रहा है। तो ये रहा आज के टॉपिक, आज के टॉपिक में इतना ही, जय हिंद, और जाते जाते आप सब्सक्राइब का बटन दबा देना। थैंक यू।